गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और आज हम लोग अपने इस वीडियो में कुछ एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज किन किन पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट बिल्स इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड इन द राज्यसभा। देखिए, दो तरह के हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, जैसे हमने अपने पुराने वीडियो में भी देखा है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में और लोकसभा में, दोनों ही सभा में बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्स प्रेजेंट किए गए हैं, जो डिस्कशंस होंगे, डिस्कशंस हुए भी हैं। तो इसमें से कुछ एक पॉइंट्स यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सारे बिल्स जो अभी है ये प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा हाउस में रखा गया है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि ऐसे मेंबर्स जो कि किसी भी कैबिनेट का पार्ट नहीं होते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट नहीं होते हैं, वो लेजिस्लेटर्स जो किसी एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते हैं, वो किसी कैबिनेट का पार्ट नहीं होते हैं, वो ऐसे एमपीज, वो जब भी किसी बिल को पार्लियामेंट में रखते हैं तो वो सारे बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। ठीक है, तो एक बिल है वो है द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019। अभी सरोगेसी, देखिए सरोगेसी मोस्ट ऑफ लाइक आप लोग सभी को जानते होंगे कि सरोगेसी होता क्या है। मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं कि सरोगेसी क्या होता है। ऐसे पेरेंट्स जो अपना बच्चा पैदा करना चाहते हैं लेकिन वो किसी भी रूप से सक्षम नहीं है, मतलब हो सकता है कि या तो उनके फादर सक्षम नहीं, या हो सकता है मदर सक्षम नहीं हो, वो लेडीज या जेंट्स, तो वो लोग क्या, या हो सकता है कि दोनों ही सक्षम नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बेबी कैरी नहीं करना चाहते हो, वो लोग चाहते हैं कि भाई कोई और आए जो हमारे साइड से हमारे स्पर्म और ओवम को, एक जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो अपने बॉडी के अंदर में उस बेबी को कैरी करे 9 महीने तक, वो बेबी जब हो जाए तो हम लोग उसको ले लें। तो ये एक एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो जो फादर होते हैं, जो मेल होते हैं, जो फीमेल होते हैं, उनके बॉडी के अंदर से स्पर्म और ओवम को निकाल करके बाहर में उसको फर्टिलाइज किया जाता है। तो जैसे ही वो प्रीमेच्योर जायगोट होता है ना, उसको फिर क्या किया जाता है कि किसी ऐसे लेडी जो कि एग्री हो चुकी है कि ठीक है मैं अपना 9 महीना इस बच्चे को दूंगी, तो उसके अंदर में इसको रख दिया जाता है अच्छे से। और फिर वो क्या होता है, वो जायगोट धीरे 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 डेवलप होता है और एक बच्चे के फॉर्म में हो जाता है। फिर 9 महीने के बाद जैसे ही वो एक बच्चा बन जाता है, उसके बाद उस बच्चे को ले लिया जाता है, फिर ये जो ओरिजिनल जो जिनका स्पर्म और ओवम यूज किया गया था, ये बच्चा उनका हो जाता है। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है वैसे लोगों के लिए जो कि किसी भी रूप से बेबी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता हो। तो 2015 में ये एक्चुअली क्या है कि ये सिस्टम को धीरे धीरे एक तरह से कमर्शलाइज कर दिया गया था। लोग पैसे कमाने के लिए इसको, बहुत सारे ऐसे सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिए थे। तो 2015 में इसको कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए बैन लगा दिया गया इंडिया में। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे इस पर फिर एक डिस्कशन शुरू हो रहा है कि हम लोग किस हद तक इसको रिलैक्स कर सकते हैं ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, जो एक्चुअल जो चाहते हैं कि भाई मैं बेबी कैरी नहीं कर पा रही हूं या मुझसे कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे केसेस के लिए, वैसे कपल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी के लिए इस बिल को यहां पर पेश किया गया है, ठीक है, राज्यसभा में, द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019। इसको किस तरह से रेगुलेट करना होगा, अगर हम लोग बिल को वापस लेकर के आएंगे इंडिया में, तो कुछ हद तक इसमें लिमिटेशंस लगाया जाएगा कि भाई इसको कमर्शलाइज नहीं करना है, लोग इसका गलत फायदा नहीं उठाए, लोग इससे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो सेकेंड हमारा आज का बिल पॉइंट है वो द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019। देखिए, जब ट्रांसजेंडर पर्सन, ये बिल को भी पहले 2014-15 में भी पेश किया जा चुका है। अभी क्या, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इसमें ऐड किया जा रहा है, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019। जो ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं, तीसरे जो लोग होते हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर, उनका जो राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, कौन कौन से राइट्स उनको मिलने ही मिलने चाहिए, कौन कौन से राइट्स उनको मिलने चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है, इन सभी चीजों पर डिस्कस होता है। तो ये है बिल 2019 का, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019। जो थर्ड हमारा है, द डैम सेफ्टी बिल 2019। डैम सेफ्टी बिल, बहुत सारे जगह में डैम्स बनाए जाते हैं, जिस भी एरिया से कोई एक नदी क्रॉस होती है, आप देखते हो जब कभी वहां पर डैम्स बनाया जाता है, तो वहां के जो जमीन होते हैं उनको इरिगेशन देने के लिए, वहां पर कुछ मत्स्य पालन या इस तरह से कुछ को बढ़ावा देने के लिए ना डैम्स को बनाया जाता है। तो इसी तरह से जहां जिस एरिया में डैम्स बनते हैं ना, वहां पर कुछ एक प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे वहां का वाटर लेवल काफी कम हो जाता है, कभी डैम में अगर क्रैक पड़ गया तो अचानक से पानी वो टूट जाता है, पानी बाहर आ जाता है, या डैम जब ओवरफ्लो होने लगता है तो डैम के गेट्स खोल दिए जाते हैं, तो दूसरे तरफ जब पानी जाने शुरू होते हैं तो काफी सारे गांव ऐसे होते हैं या जगह ऐसी होती है जिनमें बाढ़ आ जाता है। तो इन सभी चीजों को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे इन सभी सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स को हम लोग को लेकर चलना है, इस पर डिस्कशन होता है, द डैम सेफ्टी बिल 2019। नेक्स्ट जो हमारा है वो द राइट ऑफ यूनिवर्सल एंड फ्री हेल्थ केयर बिल।
द राइट ऑफ यूनिवर्सल एंड फ्री हेल्थ केयर बिल। ये नाम से हम तो चल रहा है कि हर लोगों का अधिकार है कि उनको एक हेल्थ केयर दिया जाए। कोई बीमार है, कोई गरीब आदमी है, वो बीमार हो जाता है, वो पैसा उसके पास में नहीं है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट हो, उनके पास भी राइट्स है कि एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने का। तो उसी पर ये डिस्कशन होना है, द राइट ऑफ यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर बिल। जो हमारा नेक्स्ट बिल है वो राइट ऑफ ड्वेलर्स एज ओनर्स ऑफ द लैंड। बहुत सारे जगहों पर आप लोग देखेंगे कि जो जमीन है उस जमीन पर कई एक सालों से कुछ लोग उसमें कंटिन्यूस उसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों को ड्वेलर्स कहा जाता है। या तो वहां पर रह रहे हैं या तो वहां पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, उनको ड्वेलर्स कहा जाता है। तो किस हद तक वो जो लोग वहां पर सालों से रह रहे हैं उनको उनका ओनर का दर्जा कैसे, मतलब दर्जा देना कहां तक वाजिब है, इस पर डिस्कशन होना। द राइट ऑफ ड्वेलर्स एज द ओनर ऑफ द लैंड, वो जो ड्वेलर्स है उनको ये राइट्स देना कि वो उस लैंड का ओनर बन जाते हैं या बन सकते हैं, ये कहां तक वाजिब है, इन सभी चीजों पर डिस्कशन होती है। ये होता है द राइट्स ऑफ ड्वेलर्स एज ओनर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, कुछ एक बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किए गए, डिस्कशन किए गए। ठीक है, ये क्या है बिल, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस का स्टेटस देना। देखिए, जब कभी किसी स्टेट को ऐसा स्टेटस दिया जाता है ना, तो वहां पर उनको पैसा के मामले में बहुत सारी छूट दी जाती है, क्या उनको टैक्स में छूट दी जाती है, उनको कस्टम्स वगैरह बाकी सभी में केंद्र सरकार उनको छूट देती है, ताकि वहां पर पैसे के मामले में जो फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा और स्ट्रांग किया जाए, वो फाइनेंशियली उतना अगर वीक है तो उनको स्ट्रांग किया जाए। ठीक है, जो दूसरा बिल है, अ बिल टू बैन प्रोडक्शन इंपोर्ट एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एंड सिमिलर प्रोडक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को जानना चाहिए। देखिए, ई सिगरेट्स जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी कहा जाता है, नॉर्मली क्या होता है कि वैसे लोग जो स्मोकर होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग जिनको आदत हो चुकी है, जिनको लत हो चुकी है, वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी कारण से सिगरेट छोड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि उनको एडिक्शन हो जाता है, उनको लत लग जाती है, वो जो निकोटीन जो होता है सिगरेट के अंदर में, जब वो जलता है उसका धुआं जब शरीर के अंदर आता है, हमारे लंग्स तक जाता है, वो सभी चीज से ना वो आदि हो चुके हैं, वो उनको चाह के भी छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे स्मोकर्स के लिए कुछ एक कंपनियां क्या है, वो ई सिगरेट्स लेकर के आई कि आप सिगरेट तो पियेंगे, आपको फील वैसे ही आएगा, लेकिन क्या है कि वो जो निकोटीन आपके अंदर जा रहा है, वो जो जलता है, वो सब कुछ नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि आपका हेल्थ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा वो अपने डिस्कशंस में लेकर के आए, ऐसा वो अपने एडवर्टीजमेंट्स में लेकर के आए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो रिसेंट स्टडी हुआ उसमें ये देखा गया है कि जो ई सिगरेट्स इज मोर हार्मफुल देन द ट्रेडिशनल सिगरेट, जो नॉर्मल सिगरेट होते हैं, पेपर बेस्ड सिगरेट होते हैं, उनसे ज्यादा हार्मफुल होता है ये ई सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी आप सिगरेट पीते हैं तो उसमें जो निकोटीन होता है वो निकोटीन को जलाया जाता है, उससे जो स्मोक निकलता है वो आप जब जैसे इनहेल करते हैं वो आपके शरीर के अंदर जाता है, लंग्स तक जाता है, आपके मतलब लंग्स हार्ट सभी को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस केस में क्या है कि ये दिखाया जा रहा है कि इसमें कोई धुआं नहीं निकल रहा है, जल नहीं रहा है, इसमें निकोटीन नहीं जल रहा है, लेकिन इसमें भी निकोटीन यूज किया जाता है, इसमें भी ग्लाइकॉल यूज किया जाता है, इसमें ग्लिसरीन यूज किया जाता है, अदर केमिकल्स फ्लेवर यूज किया जाता है, जो सारे के सारे चीज मिलकर के आपके बॉडी को हार्म कर रहे हैं। तो ई सिगरेट्स का ना ही इंपोर्ट होना है, ना ही इसका प्रोडक्शन होना है, और ना ही इसका सेल होना है, इसके लिए ये होना ही चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कंपनियां मतलब झूठ मूठ का ये एडवर्टीजमेंट करके कि अगर आपको सिगरेट से छुटकारा चाहिए तो आप ई सिगरेट पे आए, तो आदमी जो पहले सिगरेट पी रहा था वो कोशिश करता है कि ठीक है चलो सिगरेट छोड़ देता है, फिर ई सिगरेट पीना शुरू करता है, वो धीरे धीरे इसका आदि हो जाता है, इसका लत लग जाता है ई सिगरेट का उसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बैटरी से चलता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया डिस्कशन के लिए एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा। पहला ये था स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, दूसरा था बिल टू बैन प्रोडक्शन इंपोर्ट एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। ठीक है, जो अच्छा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी बिल टू एक्सक्लूड फॉर्मर पीएम्स एंड किन। देखिए, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये क्या होता है, अगर हम लोग 1984 से पहले का बात करें तो ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन 1984 अक्टूबर 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनको मार दिया गया, उसके बाद इस चीज का जरूरत फील हुआ कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो 1985 ईस्वी में फिर इसका डिस्कशन शुरू हुआ, इसको पेश किया गया पार्लियामेंट में कि हम लोगों को कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर और उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होंगे उनका सुरक्षा करेगा,
और साथ ही साथ अगर जो पुराने जो प्राइम मिनिस्टर जो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर उनको और उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। फिर जाकर के 1988 ईस्वी में ये फॉर्म कर दिया गया। ये क्या होता है कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो या तो इंडिया में या वर्ल्ड के किसी पार्ट में है वो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हमेशा उनका सुरक्षा करेगा हमेशा। खास करके जब कोई एक्स पीएम हो जाता है तो जब वो पीएम नहीं रहे तो उसके बाद एक साल तक तो कम से कम रहना ही है। उस एक साल के बाद फिर रिव्यू किया जाता था कि इनको जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को अगर बनाए रखने के लिए जो 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 आर्मी के जो लोग होते हैं उनके पीछे काफी खर्च किया जाता है, उनका रहना खाना पीना सब कुछ। तो इसी के लिए अभी रिसेंट में इसको देखा गया कि ये किस हद तक जरूरत है वैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए और वैसे प्राइम मिनिस्टर के मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए जो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है एक्स प्राइम मिनिस्टर और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए, तो इसको हटा दिया गया है। अभी क्या है, अब ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है ये केवल प्राइम मिनिस्टर जो भी है और उनके फैमिली मेंबर्स को ही प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डेथ टोल टू माइग्रेटरी बर्ड्स इन राजस्थान सांभर लेक रीचेस 17,000। माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, खास करके साइबेरियन कंट्रीज से आते हैं, ऐसे देशों से आते हैं जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वो लोग मतलब हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर ट्रैवल करके हमारे कंट्री में आते हैं। जब जब यहां पर कुछ एक कंडीशंस और क्लाइमेट उनको सुटेबल लगता है तब तक वो यहां पर रहते हैं, उसके बाद फिर वो वापस ट्रैवल करते करते उड़ते उड़ते अपने देश पहुंच जाते हैं। अभी ये खास करके राजस्थान के जैसा जो स्टेट है वहां पर बहुत ज्यादा इसको देखने को मिलता है। तो राजस्थान में एक सांभर लेक है जो बिल्कुल जयपुर के पास में, तो वहां पर अभी देखा गया है कि जो जो बर्ड्स है माइग्रेटरी बर्ड्स वो आए हैं उनमें से करीब करीब 17,000 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स का डेथ हो चुका है, मर चुके हैं वो लोग। तो उसका मेन कारण क्या है, मतलब देखिए ये हम लोग बर्ड्स एनिमल्स कुछ ऐसे चीज होते हैं जो ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है लेकिन उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये अगर वो नहीं समझ पा रहे तो इंसान के नाते हमारा इंसानियत होता है कि हम समझे और हम उनको मरने से बचाएं ताकि कुछ कुछ अच्छा काम किया जा सके। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जिनका अभी हम लोग देखेंगे 17,000 के आसपास मृत्यु हो चुकी है। तो इनका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है ड्यू टू बॉटुलिज्म। अभी बॉटुलिज्म क्या होता है, देखिए बॉटुलिज्म क्या होता है कि ऐसे भी खाने पीने के पदार्थ जो आप कह सकते हैं जो 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 मीट जो मीट होते हैं मांस होते हैं टिन में जिनको पैक करके रख दिया जाता है, या ऐसे प्रिजर्व वेजिटेबल्स होते हैं स्पिनेच होते हैं या कुछ बीन्स होते हैं जिनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। ये बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम क्या होता है, एक टॉक्सिन क्रिएट करता है। वो टॉक्सिन ही फाइनली जाकर के बॉटुलिज्म का कारण बनता है। वो टॉक्सिन जब उसमें आ जाता है जब बर्ड्स उसको खाते हैं तो टॉक्सिन उस बर्ड के अंदर में चला जाता है और वो फिर धीरे 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 वो काफी फैटल होता है, मतलब उससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है बर्ड्स लोग के लिए, और वो खाते हैं खाते के साथ में कुछ दिनों में फिर वो मर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है ड्यू टू बॉटुलिज्म, जो कि एक फैटल इलनेस और अफेक्ट्स द नर्व, उनके नर्व्स को अफेक्ट करता है, उनके नर्व्स को अफेक्ट करता है, धीरे धीरे उनका दिमाग को अफेक्ट करता है, फिर वो उनके उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सरकार हर कोशिश संभव कर रही है कि ऐसे जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हमारे देश में उनको उनके हिसाब से क्लाइमेट दिया जाए, उनको उनके हिसाब से एक अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए ताकि वो सालों साल जब भी आते हैं वो आए अच्छे से रहें और फिर वो वापस अपने कंट्री में चले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का, अमरावती फाइनली फाइंड्स अ प्लेस इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। कुछ समय पहले आप लोग को जब याद होगा जब एक पॉलिटिकल मैप इंडिया का फ्रेश पॉलिटिकल मैप बनाया गया था तो अमरावती का नाम कहीं पर भी नहीं दिया गया था। देखिए 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ आंध्र प्रदेश अलग बन गया और तेलंगाना अलग बन गया, तो ये कहा गया कि जो हैदराबाद है वो हैदराबाद अगले 10 साल के लिए दोनों के लिए ही एज ए कैपिटल का काम करेगा, आंध्र प्रदेश के लिए भी तेलंगाना के लिए भी, लेकिन 10 साल के अंदर में आंध्र प्रदेश को अपना एक प्लेस चुन के लेकर के आना है जो कि उसका कैपिटल बन जाएगा। तो वो अभी फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अमरावती को अपना कैपिटल बनाएंगे जब हैदराबाद हमारा कैपिटल नहीं रहेगा। तो अभी इस बार जब पॉलिटिकल मैप जब पिछले बार जब रिलीज हुआ तो उसमें अमरावती का नाम कहीं था ही नहीं, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश का जो वो एक रिक्वेस्ट था कि अमरावती को उनका कैपिटल बनाया जाए उनको कहीं पर ध्यान नहीं दी, उनको तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था, फिर से पॉलिटिकल मैप को बनाया गया। अभी क्या है कि उसमें आप देख सकते हैं कि जो अमरावती है वो आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा जो कि अब उसका कैपिटल के फॉर्म में सामने आएगा,
और हैदराबाद एज यूजुअल तेलंगाना का कैपिटल बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम लोग देखते हैं इंडिया में हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको लाया गया था, जो 1959 में लाया गया था। अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, ये होता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर, याद रखिएगा दोनों नवंबर में ही है, 6 दिन का डिफरेंस है, 14 को वो है 20 को ये है। नेक्स्ट हमारा मीटिंग है कैबिनेट अप्रूव्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा-रिग्पा इन लेह। कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है एक इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए लेह में। वो इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर सोवा-रिग्पा। ये सोवा-रिग्पा क्या है? ये तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है सोवा-रिग्पा। इसका एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा लेह में। देखिए आपको इंडिया के अगल बगल ऐसे जो भी कंट्रीज है, खास करके जो नेपाल हो गए, भूटान हो गए, वहां जो तिब्बत से सटे हुए हैं, ये तिब्बत से ओरिजिन हुआ है, और ये तिब्बत से ओरिजिन होने के बाद में इंडिया में भी इसका प्रैक्टिस किया जाता है, नेपाल में भी होता है, भूटान में भी होता है, मतलब अगल बगल मंगोलिया में भी होता है, जो अगल बगल के सारे कंट्रीज है ये इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये एक मेडिसिनल फॉर्म है, ये तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट को बनाया जा रहा है सोवा-रिग्पा इन लेह, इंस्टीट्यूट फॉर सोवा-रिग्पा इन लेह। इसको याद रखिएगा, ये एक मेडिसिनल सिस्टम है जो तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ है और लेह में इस इंस्टीट्यूट को बनाया जा रहा है, ताकि सरकार इसको और बढ़ावा दे रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूजीसी आस्क्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन नवंबर 26। सॉरी, यूजीसी ने अभी जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ये एक गाइडेंस दिया है कि आप अपने सारे के सारे इंस्टीट्यूट में, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर आप लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेलिब्रेट करें। कॉन्स्टिट्यूशन डे को 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों? देखिए, हम लोग देख चुके हैं कि 26 नवंबर को जो हमारा संविधान वो बनके तैयार हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो लागू कब हुआ? वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, दो महीने के बाद वो लागू हुआ था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जब 26 नवंबर को जब ये बनकर तैयार हो गया था, तो वही दिन से ये, मतलब हम लोग गणतंत्र हो चुके थे। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, ये फीलिंग को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने ये कदम उठाया, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप अपने सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी कॉलेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट कीजिए 26 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है असम गवर्नमेंट टू स्टार्ट अरुंधति गोल्ड स्कीम बाय जनवरी 2020। असम गवर्नमेंट ने अभी ये एक शुरुआत की है कि वो लोग अरुंधति गोल्ड स्कीम को स्टार्ट करेंगे जनवरी 2020 से। ये अरुंधति गोल्ड स्कीम है क्या? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि असम में बहुत हद तक आपको देखा जाता है वहां पर बाल विवाह होते हैं। वैसे बच्चे बच्चियां जिनकी उम्र, वैसी लड़कियां जिनकी उम्र भी 18 साल से कम है, वैसे लड़के जिनकी उम्र 21 साल से कम है, उनका विवाह हो कर दिया, उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये बाल विवाह को रोकने के लिए असम गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम स्टार्ट किया है जो जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, वैसे मैरिड कपल को 30,000 रुपए दिए जाएंगे जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि वो अंडर एज नहीं होने हैं उनकी शादी, 18 साल से कम की लड़की का शादी नहीं होना, प्लस 21 साल से कम के लड़के का शादी नहीं होना है। उसको दिया जाएगा 30,000 रुपए ज्वेलरी खरीदने के लिए, ताकि वो लोग को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और उसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि वो जो ब्राइड है और उनके जो पेरेंट्स है, उन दोनों का मिला करके जो सालाना इनकम होता है 5 लाख से ज्यादा नहीं होना है, उनको 5 लाख से कम होना है, तभी जाकर के उनको ये 30,000 रुपए की रकम दी जाएगी ज्वेलरी खरीदने के लिए, ज्वेलरी पर्पस के लिए। ये एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके असम में। जो हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स द सेल ऑफ स्टेक्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। 5 PSUs को आइडेंटिफाई किया गया है जिनका स्टेक को सेल करेगी गवर्नमेंट, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन लेकर के आएगी उसमें। वो कौन कौन से 5 PSUs हैं? एक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन सभी नाम को अच्छे से याद रखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL,
शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन. फोर्थ है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. और पांचवा है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये पांच ऐसे पीएसयू है जिनके स्टेक को सेल करेगी सरकार और कुछ हद तक उसमें प्राइवेटाइजेशन लेकर के आएगी. नॉर्मली सरकार ऐसे स्टेप तब लेती है जब पीएसयू सही से काम नहीं कर रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ एक प्राइवेट एंटिटीज को जब उसमें हम लोग जोड़ देंगे, कुछ कैपिटल आएगा, कुछ बाहर से कुछ पैसा आएगा, तो इसको और अच्छे से बनाया जा सके. लेकिन अगर आप इंटरनल लोगों का मानेंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे उनका हक उनसे छीना जा रहा है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हमने करंट अफेयर्स देखे हैं जो भी अभी नवंबर आपको 22-23-24 तारीख से ये सब रिलेटेड है 21-22-23 से. तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट आपको एग्जाम में आ रहा है जो इन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड है, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट ले पाओ. ठीक है, हम लोग फिर इसी तरह के पॉइंट अभी हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मैं इस तरह का कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको टाइम वो मिलता रहे. और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक या स्टूडेंट्स तक मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इनका फायदा हो. थैंक यू सो मच.